वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन. एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट द सेम एवरीवेयर. एट द इक्वेटर इट्स वैल्यू इज लीस्ट एंड एज वी गो टूवर्ड्स द पोल्स इट्स वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीजेस एंड बिकम्स मैक्सिमम एट पोल्स. सिमिलरली इफ वी गो अबव और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस. फॉलोइंग आर द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी. फर्स्ट वेरिएशन विथ एल्टीट्यूड, therefore the height above earth surface. Second, variation with depth below the surface of earth. And third is variation with latitude. यह पाया गया कि जो g होता है small g उसका मान सभी स्थानों पर एक समान नहीं होता. भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाने पर g का मान बढ़ने लगता है. पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे जाने पर भी जी का मान घटने लगता है. अब जी के मान में परिवर्तन को हम अगर देखें तो ये थ्री टाइप्स के होंगे. फर्स्ट, जब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ परिवर्तन, पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ परिवर्तन, और थर्ड इज पृथ्वी तल पर अक्षांश के साथ परिवर्तन. तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ हाइट अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ, ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन. लेट द मास ऑफ द अर्थ बी कैपिटल एम एंड इट्स रेडियस बी कैपिटल आर. द वैल्यू ऑफ small g at the surface of the earth is, हमने suppose करा है कि the mass of the earth b capital M, जो पृथ्वी है पृथ्वी का द्रव्यमान capital M है और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है त्रिज्या आर है. तब द वैल्यू ऑफ एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, द स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो अर्थ की सरफेस पर अगर हम देखें तो वो वैल्यू हो जाएगी हमारी स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. इक्वेशन फर्स्ट, इफ द पार्टिकल इज सिचुएटेड, इफ द particle is situated at a height h above the surface of earth its distance from the center of the earth will be r plus
H. Therefore, the value of G at this height would be 1. अब हमने सपोज करा है कि इफ द पार्टिकल इज सिचुएटेड एट अ हाइट h अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, कि जो अर्थ की सरफेस है इस अर्थ की सरफेस से h ऊंचाई पर, एक क्या है पार्टिकल है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी, तब इसकी जो पॉइंट है पार्टिकल है इसकी अगर अर्थ से डिस्टेंस देखें तो वो अर्थ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी r प्लस h, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ g एट दिस हाइट वुड बी, तब इस ऊंचाई पर g की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी, सपोज करेंगे हम g डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन जो हाइट है, हाइट के प्लेस पर क्या आ जाएगा r प्लस h स्क्वायर. इक्वेशन सेकेंड, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट वी गेट जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर इन टू आर स्क्वायर अपॉन जी एम, जी एम से जी एम कैंसल हो जाएगा, देन जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू मिलेगी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर. इक्वेशन थर्ड, अब इस इक्वेशन को जो हमारी जी डैश अपॉन जी है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन, अगर हम यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से मिलेगा वन प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल हो जाएगा. तब हम इक्वेशन मिलेगी यहाँ से जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर. अब स्क्वायर को अगर हम यहाँ लेकर के आते हैं तब हमें यहाँ से मिलेगा जी डैश अपॉन जी वन प्लस एच अपॉन आर माइनस ऑफ टू, क्योंकि ये अपॉन में है, अपॉन से हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगेगा. एक्सपांडिंग बाइनोमियल एंड निग्लेक्टिंग हायर पावर ऑफ एच बाय आर वी गेट जी डैश अपॉन जी इज इक्विवेलेंट वन माइनस टू एच अपॉन आर, बिकॉज हमने सपोज करा है कि एच अपॉन आर इज लेस देन वन, हैंस जी डैश इक्विवेलेंट जी वन माइनस टू एच अपॉन आर. इक्वेशन फोर, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इट इज क्लियर दैट जी डैश इज लेस देन जी, हैंस with increases in the value of h, therefore as we go above the surface of earth value of g decreases. If h equals to infinite then g dash equals to ho jayega 0. Near the surface of earth by the equation third may be written as g dash अपॉन जी इक्वस टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वन प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर, देयरफॉर वन अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर. जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू वन प्लस एच अपॉन आर माइनस टू. If h is less than r, hence h upon r is less than 1, then by using binomial theorem and neglecting higher power terms,
we get z dash upon g equals to 1 minus 2h upon r. Therefore, z dash equals to g 1 minus 2h upon r. Equation 4. Now, g minus g dash equals to 2gh upon r. Equation 5. Decreases in the value of g is g equals to 2gh upon r. Acceleration due to gravity g varies linearly smaller altitude, but the higher altitude it varies in a curved manner. H is less than r. यहाँ पर हमने हाइट h और g इन दोनों के बिटवीन अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ प्लॉट करने पर हमें जो g मिलता है वो g इस कर्व शेप में मिलता है. तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर हम अर्थ से h हाइट पर कोई पार्टिकल लेते हैं तब उसमें g में क्या होती है, वेरीज होती है. g में क्या आती है, कमी होती है. तो सबसे फर्स्ट हम लोगों ने सपोज करा कि हमारे पास एक अर्थ है जिसका मास कितना m है और रेडियस कितनी है, r है. अब इस अर्थ से h हाइट पर हमने एक पार्टिकल ले लिया m, तब अर्थ के लिए ग्रेविटी जो होगी वो होगी g इक्वल्स टू जी एम अपॉन r. लेकिन h हाइट पर जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए अगर हम लेते हैं तो वो हो जाएगा g डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर. अब हमने इक्वेशन टू को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करा, देन हमें यहाँ से मिला सॉल्यूशन करने पर जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पर ये अपॉन में है. जब हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो न्यूमरेटर में लेके जाने के लिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा. फिर हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया है. तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया तो और उसकी हायर पावर को क्या कर दिया, हमने निग्लेक्ट कर दिया. देन हमें यहाँ से इक्वेशन मिला. अब अगर हमें जी में वेरिएशन फाइंड करना तो जी में वेरिएशन फाइंड करने के लिए हमने सपोज कराया कि जो एच होगा वो एच कितना है, इनफाइनाइट है. तब जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. तब लास्ट में हमें जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट मिला है यहाँ से जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस टू एच अपॉन आर जी डैश माइनस जी g माइनस जी डैश इज इक्वल टू टू जी एच अपॉन आर. यही हमारा क्या है, g के मान में कमी है. और यदि h का मान पृथ्वी की त्रिज्या r की तुलना में क्या हो, नगण्य हो, तब इक्वेशन जो 4 है हमारी, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे. और पृथ्वी की अल्प ऊंचाई के लिए g का जो मान होगा वो g का मान में जो परिवर्तन होगा वो एक क्या होगा, सरल रेखा होता है. किंतु ऊंचाई बढ़ने पर यह परिवर्तन क्या हो जाता है, वक्रीय अवस्था में हो जाता है.